जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी गद्य साहित्य के प्रसिद्ध प्रसिद्ध साहित्यकार प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 ईस्वी में 1856 ईस्वी में उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम संकटा प्रसाद था। वह एक विख्यात ज्योतिषी थे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। विख्यात ज्योतिषी थे। इसी विद्या के कारण वे कानपुर में आकर रहने लगे। यानी कि उनके पिताजी क्या करते थे, ज्योतिषी थे, तो वो कानपुर में उसी विद्या के कारण आके रहने लगे थे। इसी विद्या के कारण कानपुर में आकर रहने लगे। इनके पिता चाहते थे कि प्रताप नारायण मिश्र ज्योतिष की शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन उनका मन इसमें नहीं लगा। यानी कि ज्योतिष की जो शिक्षा थी उसको पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा। उसके बाद उसके बाद अंग्रेजी शिक्षा के लिए स्कूल में प्रवेश लिए
प्रवेश लिया, लेकिन इनका मन उसमें भी नहीं लगा, यानी कि इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्कूल में प्रवेश तो लिया था, लेकिन उसमें भी इनका मन पढ़ाई में नहीं लगा। फिर इन्होंने फिर उन्होंने स्वाध्याय से स्वाध्याय से हिंदी हिंदी उर्दू संस्कृत फारसी बांग्ला हिंदी उर्दू संस्कृत फारसी बांग्ला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और समाज के लिए गद्य एवं पद्य में अनेक रचनाओं एवं निबंधों को लिखा। मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में सन 1894 में इनका निधन कानपुर में हो गया। मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में सन 1894 में इनका कानपुर में निधन हो गया। अब देखते हैं इनकी रचनाएं, महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी प्रताप नारायण मिश्र जी ने लिखी, उनको एक बार देखते हैं। फर्स्ट है बात, दूसरी निबंध नवनीत, नेक्स्ट है हठी हम्मीर, भारत दुर्दशा, पंचामृत, नीति रत्नावली।